हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग तो नहीं है, इट्स 12:15, गुड आफ्टरनून हो गई है। और कल रात को काफ़ी थक गया था, 1-1.5 बज गया था सोते हुए, और उसके बाद अभी सो गए। काफ़ी हेडेक था, सर में दर्द हो रहा था रात को, पता नहीं शायद नींद पूरी नहीं हुई, थकावट थी क्या था। उसके बाद अब उठे आराम से, अब नहा धो के रेडी हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे यहाँ से कहीं घूमने। आई गेस वी आर गोइंग टू लैंडौर, तो लैंडौर चलते हैं, वहीं पे लंच करेंगे अपना। और अभी भैया से ड्रायर मंगाया है, बाल बाल सेट करने, और निकलते हैं फिर यहाँ से सीधा। सब ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं अब कर रहा हूँ, सो के अब उठे, सर दर्द हो रहा था। अरे मक्खी हट जा, खाने दे। क्या है, कोल्ड कॉफ़ी, ब्रेड ऑमलेट। और बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है। टाइम हो रहा है 12:45 होने वाले, ऑलमोस्ट 12:35 हो गए। अब निकल रहे हैं हम लंच के लिए। मन तो कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें आसपास का एरिया, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो जिस जगह मैं रुका हुआ हूँ, इधर से मॉल रोड इज़ 5 किलोमीटर्स एंड लैंडौर इज़ 8 किलोमीटर्स। लैंडौर चलते हैं, लैंडौर बेक हाउस, इट्स वेरी फेमस। कभी गया नहीं, यहाँ पे बहुत बार आया है मसूरी, अभी रिसेंटली लास्ट 2 साल से 3-4 बार आ गया, लेकिन वहाँ पे कभी जाना नहीं हुआ। तो अभी चल रहे हैं वहाँ पे, सब लोग आ रहे हैं, तैयार होते हैं, दिखाते हैं फिर आपको क्या करते हैं आगे। और ये देखिए प्यारा सा छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर भी दर्शन वर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल प्रॉपर्टी है, मज़ा आया। वेट हो रहा है सबका, आते हैं तो फिर निकलते हैं। फिर सब आ रहे हैं तैयार हो के, क्या फ़ोटो खिंचवाने में व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो के फ़ोटो के लिए तैयार हो के खड़े हो गए। आया डुकी जैम एपी, आओ आ जाएगा आराम से। अरे डर रहा है, देखो तो कैसे आ रहा है। आया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम आराम से आ जाओ। सो सडन चेंज इन प्लान्स। पहले हम जा रहे थे लैंडौर लैंडौर बेकरी, सॉरी लैंडौर, वी वर गोइंग टू लैंडौर लैंडौर बेक हाउस, बट एकदम बीच में हमें ये झारीपानी कैसल दिखा, जो काफ़ी प्रिटी और सुंदर लग रहा था। मैं बस चेक करने गया अंदर, हाँ इट लुक्स रियली प्रिटी एंड नाइस। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, शायद वहाँ पे शाम को जाएं, तो अभी एक बार अंदर चल के देखते हैं कैसा है क्या रहता है। सो दिस इज़ दी बेकरी एंड कैफ़े। ये बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी बेकरी है। अभी देखते हैं यहाँ से कुछ खाएंगे हम, और अभी हम चलते हैं सीधा नीचे। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा दूँ पहले एक बार, तो इस 19th century का, ये देखिए। सो दिस इज़ दी ब्यूटिफुल प्लेस, और यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। बाकी एक बार नीचे चल के आपको दिखाता हूँ। तो सब लोग तो नीचे चले गए हैं, अब मैं भी चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। खुल जा भाई, लिफ्ट से ही व्यू देख लो आप एक बार, तो शानदार। हमें जाना है नीचे। ये देखिए, दिस इज़ दी एंट्रेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ये वॉशरूम्स बने हुए हैं, एंड दिस इज़ दी बेसिन एरिया। नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड, और हम चेक करते हैं। ये इनका इंडोर एरिया है, दैट्स द बार। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कैफ़े एंड बहुत ही एस्थेटिक इंटीरियर। सब चलते हैं बाहर और देखते हैं व्यू और यहाँ का सीटिंग एरिया। सो एक बार आप यहाँ से व्यू देखिए। हवा चल रही है, मेरे हाथ से फ़ोन ना गिर जाए। Look at this view. ये ग्लास टफन ग्लास है, इसके ऊपर सीटिंग, एंड दैट्स देयर प्राइवेट एरिया जिसके कवर चार्जेस है। इन्होंने मेरे को बताया कि इफ़ यू वांट टू गो एंड बुक दिस यू हैव टू पे द कवर चार्जेस। कर रहे हो आप? पिक्चर क्लिक कर दो, छोटी माँ की पिक्चर क्लिक कर दो। किसकी पिक्चर ले रहे हो आप? हाँ दिख रहा है। क्या क्या ऑर्डर कर लिया तुमने? गेम खेलने में लगे हुए दो, ये सारे लगे तीनों। ये तो अभी वीडियोस फोटोज क्लिक कर रहा था सबकी। मुझे स्ट्रीट वाला अच्छा लगता है। स्ट्रीट में ज़्यादा बढ़िया। मैं सामने से ये देखिए नीचे बढ़िया। एक वीडियो बस खत्म। तो पिज्जा ऑलमोस्ट रेडी है, यही वाला ऑर्डर किया था बस हो गया। हाँ पिज़्ज़ा तो आ गया है, बाकी चीज़ों का वेट हो रहा है। ये कह रहा है फ़ोन देख के खाएगा, बाकी सब बैठे हुए हैं। वो वहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, दोनों पिक्चर्स क्लिक करवा रही है, रील्स के लिए वीडियो बनवा रही है। मैं और बहन यहाँ बैठे हुए हैं। खा लो चाम। केचप चाहिए? आ कौवे की तरह क्यों बोला? मक्खी मक्खी बताओ कौन से हैं? मटन नहीं आया अभी, टाइम लग जाएगा मटन में। So it's 2:45 and काफ़ी अच्छा लंच कर लिया है हमने, मतलब लंच तो क्या था, ठीक ठाक ही था। We had pizza, momos, salad, shakes, mocktails. So it's a very good property, location बहुत प्यारी है। Location के साथ साथ vibe इसकी बहुत amazing है। Very aesthetic, beautiful property, but the thing is food taste it's good, मतलब इतना wow नहीं है but अच्छा है, ठीक ठाक है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ कुछ चीज़ें ओकेश थी। So you can try, definitely try if you are in झारीपानी, मसूरी आप आ रहे हैं तो विज़िट झारीपानी कैसल। तो उसी की प्रॉपर्टी के साथ ये रेस्टोरेंट है। दिस इज़ 19th century और ऊपर इनकी बेकरी भी है, जोजो एक्सो एक्सो और जोजो वट एवर दे कॉल इट। तो अभी चलते हैं, शायद देखते हैं कुछ मीठा खाएँ वहाँ से। तो खा पी के आ गए हैं वापस अपने विला, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये विला अपना। वापस आ गए, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट और अभी बज रहा है 4:10 और समाचारी सोचिए 6 बजे तक निकलेंगे मॉल रोड के लिए। मॉल रोड घूम के आएंगे थोड़ा आसपास, और तो कुछ है नहीं। जहाँ जाना था वहाँ जा नहीं पाए, बट अच्छी जगह मिल गई तो वहीं बैठ के लंच कर लिया। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं या देखते हैं क्या करते हैं। और व्यू बहुत प्यारा सामने, आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए सामने जा रही है पुलिस की गाड़ी, ये रही। अभी सामने मैंने आपको जो पुलिस की गाड़ी दिखाई वो अनाउंस कर रहे हैं कि जहाँ हम रुके हुए हैं अभी यहाँ पे भालू दिखाई दे रहा है, सावधानी बरतें। और भालू के साथ बच्चे भी हैं, अगर दिखेगा तो मज़ा आ जाएगा। मतलब हम ऊपर से ही नीचे देख लें तो सही है, कहीं बाहर निकले ना। और पुलिस अनाउंस करती हुई जा रही है। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी पर हमें सामने ही सुनाई दे रहा है। सामने पुलिस की गाड़ी चल रही है, इसी रोड से गई है। वो कह रहे हैं कि अकेले बिल्कुल ना जाए, सावधानी बरतें। पुलिस अनाउंस करती हुई जा रही है, भालू दिखाई दे रहा है।